एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे इतना ज्यादा प्यार और मोहब्बत अपना बनाए रखने के लिए। एंड आज मैं आप सबके लिए फिर से एक और नया हेलमेट लाया हूं, जिसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू बनाएंगे एंड एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं इस हेलमेट के बारे में देने वाला हूँ। So, दोस्तों आज हम जिस हेलमेट के बारे में बात कर रहे हैं वो है एक्सोर का जोकर हेलमेट। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स में एक्सोर का ब्रांडिंग है एंड यहाँ पर डीसी का सिंबल है। इट मींस दे हैव अ प्रॉपर कोलैबोरेशन विद डीसी। सो डीसी मेरे जितने भी यूथ व्यूअर्स है जानते ही होंगे कि डीसी इज द वन जो कि आपके बैटमैन, सुपरमैन, जोकर, इस सब जितने भी फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं या तो सुपर कैरेक्टर्स हैं या जो हीरो या विलेंस हैं, इनका जो फ्रेंचाइज है इट इज ओन बाय डीसी। एंड सिमिलरली मार्वल इज अ डिफरेंट सेगमेंट। सो चलिए अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, जल्दी से ये हेलमेट को अनबॉक्स करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था एक्सोर के रूज हेलमेट पे, सो मैंने आपको बताया था उसका पैकेजिंग प्रीमियम नहीं लगता है। सो ये जो हेलमेट है आप देखिए, ये थोड़ा सा ये पैकेजिंग ये प्रीमियम लगता है एंड इसका एमआरपी भी आपको हम बता देते हैं। सो इसका एमआरपी है 6500। एंड अब चलिए हेलमेट को बाहर निकालते हैं। ये एक ब्लू टिंटेड वाइजर, काफी अच्छा बैग दिया गया है, क्वालिटी इज वेरी गुड। आप इसको कहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और अपना हेलमेट साथ में लेके जाना चाहते हैं तो यू कैन रिलाई ऑन दिस हेलमेट बैग। वाओ, सो आप खुद देखिए इसका पेंट क्वालिटी काफी अच्छा है। इस हेलमेट का प्राइसिंग आ चुका है 5500 पे। क्यों? क्योंकि हमको साथ में 1000 रुपीज का वाइजर मिलता है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होता है। अगर आप इस हेलमेट को ध्यान से देखें एंड अगर मैं इस एक्सोर का स्टिकर को पील ऑफ कर दूं, फ्रंट वाइजर का वो स्टिकर को पील ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पर एक येलो कलर का टिंट दिख रहा होगा वाइजर पे। सो इट इज द एंटी फॉग पिन लॉक। सो अगर इसको आप आफ्टर मार्केट में खरीदने जाएं सो आपको मिनिमम आई डोंट नो नॉन ब्रांडेड मैं आपको कुछ कुछ शायद 300-400 इतना तक पड़े, बट अगर हम इसका प्राइसिंग 500 भी अगर पकड़ के चले, so you get a free pin lock anti fog visor attachment with this helmet. तो आपको यहाँ पर इस हेलमेट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं अटैच करना है सिवाय आपके ब्लूटूथ के। एंड यहाँ पर आपको देखिए एक सन वाइजर यानी कि एक आप कह सकते हैं गॉगल्स भी मिल रहा है, जो एंटी फॉग लेयर का अगर हम प्राइस माइनस करते हैं सो कम्स डाउन टू 5000। सो 5000 अब आप देखिए ये हेलमेट वर्थ है कि नहीं है। उसके बाद हेलमेट के अंदर हमको मिलता है एक रियर स्पॉइलर। सो दोस्तों स्पॉइलर लगने के बाद हेलमेट कुछ इस तरह का लगता है। आप सबने वो छोटा सा क्लिप में ऑलरेडी देख चुका होगा, जो क्लोजअप क्लिप हमने बनाया था उसमें स्पॉइलर लगने के बाद हेलमेट कैसा लगता है आप सबने ऑलरेडी देखा होगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखें सो इसका यहाँ पर डी लॉक मिलता है एंड यहाँ पर एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर उनका एक एक्नॉलेजमेंट एक एक्सोर का लोगो मिलता है, एक एक्सोर हेलमेट्स का एक स्टिकर मिलता है। ये स्टिकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके ब्लड ग्रुप के बारे में बताता है। एंड देन यू गेट अ रिफ्लेक्टिव स्टिकर एंड देन वी हैव द स्मॉल स्पॉइलर। सो चलिए दोस्तों अब इसको पहनते हैं और इसके पैडिंग के बारे में बात करते हैं, इसका पैडिंग कैसा है, लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो इसका पैडिंग काफी ज्यादा स्टर्डी है एंड काफी ज्यादा अच्छा है। आई डोंट नो कि आपको कितना क्लियर वॉइस मेरा आ रहा होगा, बट चलिए इसको खोल के बात करते हैं।
अंदर पैडिंग में प्रॉपर एडिक्वेट स्पेस दिए गए हैं आपके ईयरफोन्स ये सब लगाने के लिए, आपके सेना डिवाइस हो या ब्लूटूथ डिवाइस हो उसको फिक्स करने के लिए प्रॉपर पैडिंग में गैप्स दिए हुए हैं। पैडिंग काफी ज्यादा अच्छा है एंड स्पेशली ऑन द चिन पार्ट इतना ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। ये जो साइज मैं यूज कर रहा हूँ दिस इज एम साइज। आई मस्ट से कि ये पैडिंग का लास्टिंग कैसा है ये तो लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद ही पता चलेगा, बट फिलहाल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैडिंग आई हैव कम अक्रॉस फ्रॉम ऑल द हेलमेट्स आई हैव बीन यूजिंग। देन दोस्तों अगर इसके सर्टिफिकेशन का बात करें सो दिस इज ECE R2205 सर्टिफिकेशन एंड डॉट सर्टिफाइड है, ऑफ कोर्स ISI सर्टिफाइड है ही। सो जितने भी जोकर या बैटमैन फैंस हैं आई थिंक वो इस हेलमेट से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे बिकॉज द वे दे हैव गिवन द ग्राफिक्स यहाँ पर the way they have written it, यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने जोकर लिखा है, जिस तरह से ये हेयर उन्होंने बनाया है, आईज एंड स्पेशली दैट विकेट द बैड गाय स्माइल जो हेलमेट आपको दे रहा है, आई थिंक इंडिया में अभी फिलहाल कोई और हेलमेट इस तरह ग्राफिक्स नहीं दे रहा है। सो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये हेलमेट वर्थ है कि नहीं, सो जैसे कि हमने डिस्कस किया आप इसके लिए 6500 पे कर रहे हैं बट जो बेनिफिट्स आपको मिल जाता है उसके बाद अप्रोक्सीमेट ये कॉस्टिंग अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें तो आपको ये हेलमेट अराउंड 5000 समथिंग का पड़ रहा है। सो आई डोंट थिंक 5000 रुपीज में आपको इससे अच्छा ग्राफिक्स, इससे अच्छा पैडिंग, इससे अच्छा क्वालिटी, इससे अच्छा शेल, इससे अच्छा ब्रांड वैल्यू का हेलमेट और कोई भी ब्रांड दे रहा है। सो इट इज अ बिग येस फ्रॉम माई एंड, आप ये हेलमेट जरूर परचेज कर सकते हैं एंड स्पेशली अगर आप एक ब्लैक राइडिंग गियर का सेट रखते हैं, अगर आप एक ऐसा जरूरी नहीं आपको व्हाइट गाड़ी ही चाहिए इसको पहनने के लिए तभी आप अच्छे लगे, लेकिन दिस हेलमेट विल बी अ कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट यू आर वेयरिंग एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ प्योर हेड टर्नर हेलमेट। श्योर कर सकता हूँ अगर आप ये हेलमेट पहन के कहीं निकले हैं एंड जो इसके बारे में नहीं जानते हैं आई एम श्योर वो आपसे एक बार जरूर पूछेंगे कि बॉस आपने ये हेलमेट कहाँ से लाया, हैव यू गॉट इट पेंटेड, हैव यू कस्टमाइज्ड इट, बिकॉज दिस लुक्स समथिंग आउट ऑफ द स्टीरियोटाइप हेलमेट्स जो आप रेगुलर मार्केट में देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा इन्फो ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय दोस्तों।